अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो स्वेक्स आप लोगों का स्वागत है। तो यार अभी देखो मैं अकेला खड़ा हुआ, क्योंकि आज मैं जानवरों को मैं अकेला खुद ही संभाल रहा हूँ। और ये हमारा चुलबुल, प्यारा सा हमारा चुलबुल, आजकल यार ये मस्ती कम कर रहा है, क्योंकि बकरीद करीब आ गई है ना यार, फिर इनको छुरियाँ नजर आना शुरू हो जाती है ख्वाब में, तो इससे थोड़ी मस्ती कम कर रहा है। और ये हमारा बसंती तो शुरू से था ही शरीफ, तो ये बेचारा ये भी है ना चुपचाप बैठा हुआ है। बाकी यार मौसम देखो कितना टाइट हुआ पड़ा हुआ है यार। और उसके साथ साथ हमारा ये अंडू बकरा जो है, जन्नती हमारा अंडू बकरा, ये चारा खा रहा है, हरा वाला जो चारा होता है ना वो खा रहा है ये। तो माशाल्लाह ये भी बहुत खुश है, हमारे सारे जानवर वैसे तो खुश है, माशाल्लाह खा रहे पी रहे हैं और सब सेट है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये देखो भाई मौसम बड़ा टाइट हुआ है, ये मेरा बकरा प्यारा सा, जन्नती है मेरा अंडू बकरा, ये देखो भाई ये मासूम सा है, मासूम नहीं है भाई ये, सीधी बात है अंडू बकरा ही हमारा खतरनाक है। पहले दिन तो उसे शफ़त चिंगारी को उठा उठा के पटका था। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल पे जाओ, पिछली वीडियो ये वो देख लो, फ्याण किया कितना मारा है शफ़त चिंगारी को। वैसे सही क्या शफ़त चिंगारी की तो इसने ट्यूनिंग कर दी है, खैर मज़ा आ गया था मेरे को तो, सिंगों से उठा उठा के फेंका भाई शफ़त चिंगारी को इस बकरे ने। अंडू बकरा है ना थोड़ा धोखा हो गया था हमारे साथ। तो बाकी ये देखो मौसम फुल बारिश वाला मौसम है, बारिश हो सकता है रात तक हो जाए, अभी तो भाई 3-4 दिन तक लगातार बारिश चलेंगी भाई। और ये देखो भाई ये हमारे पापा की वीएट और बेंटले खड़ी हुई, इसका मतलब पापा घर के अंदर ही है। अब यार पापा वैसे हडाराम हो गए, काम पे नहीं जाते यार। दरअसल यार हडाराम नहीं हुए, बात ये है कि उनके बैग पे बिजनेसेस बहुत चलते रहते, तो उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर पे बस ना लैपटॉप में काम करके संभाल लेते हैं सारा बिजनेसेस। और भाई शोरूम पर जाना पड़ता है, तो शोरूम से उन्होंने शिपमेंट मंगवाई नहीं है, तो इस वजह से ना कहीं बाहर नहीं निकल रहे पापा, घर में सोते रहते हैं मैंने किया। बाकी यार ये मेरी 125 यहाँ खड़ी हुई है वीआईपी सी, और हमारे जानवर माशाल्लाह खा रहे पी रहे सेट है। चुलबुल और बसंती ने खाना खा लिया, अभी थोड़ा आराम से जो है ना बैठ गए। और बाकी हमारा जो जन्नती अंडू बकरा है ना ये खाना वाना खा रहा है। बाकी यार आप लोग कह रहे होंगे कि शफ़त चिंगारी किधर है, मैं अकेला यार सब कुछ काम क्यों कर रहा हूँ, तो यार इसकी वजह ये है शफ़त चिंगारी ने मुझे अपनी करीबाबाद बस्ती अपने घर पर बुलाया है। तो वो क्यों वो मैं आपको बताता हूँ, उसने ना मुझे यार अपने दुम्बे दिखाने, वो आप याद करो पिछले साल जब हम शफ़त चिंगारी की कुर्बानी के दुम्बे देखने गए थे ना, तो जब यार शफ़त चिंगारी ने अपने ना कुछ है ना छोटे छोटे से मुझे दुम्बे दिखाए थे और कहा था कि जिमी भाई अब उसे तुम 2024 की कुर्बानी में देखने आना कि वो कैसे हो जाएंगे, तो यार आज हम वो दुम्बे देखने जाएंगे। तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वाली वीडियो ज़रूर देखना, पिछले साल वाले जो दुम्बे के बच्चे हमें दिखाए थे शफ़त चिंगारी ने कुर्बानी के वक्त में, 2023 की कुर्बानी के वक्त में, और अब देखेंगे कि वो दुम्बे कितने बड़े हो गए। देखे मेरे भी नहीं है भाई, अभी मुझे भी है ना काफ़ी क्या कहते मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ हूँ भाई देखने के लिए दुम्बे। तो अभी हम शफ़त चिंगारी की तरफ जाएंगे, उसके दुम्बे देखेंगे। वो कह रहे जिम्मी भाई तुम देख के हमारे दुम्बे हैरान हो जाओगे। बाकी यार शफ़त चिंगारी सिर्फ आज आज के लिए जो है ना शफ़त अपने घर के तरफ गया हुआ है, फिर ये कि वो कल तक आ जाएगा, फिर वो हमारे जो जानवर हैं वो संभालेगा, और जो उसके दुम्बे हैं ना उसके घर वाले संभाल लेते हैं, उसका बड़ा भाई ये उसकी अम्मा है उसके अब्बा हैं वो संभाल लेते हैं, तो शफ़त है ना मेरा हाथ बटाएगा फिर आके। तो आज मैं जाऊँगा उसकी तरफ और उसके दुम्बे वगैरह देखूँगा, मज़ा आने वाला है भाई, बहुत वीडियो पूरी देखते रहे ना। तो यार एफएक्स में जाऊँ क्या, लेकिन नहीं यार मौसम भी देखो कितना प्यारा है यार, अभी है ना धूप हो रही होती तो मैं फिर भी एफएक्स में चला जाता। वैसे टोयोटा सुप्रा मैं आजकल निकाल नहीं रहा, इतने अच्छे मौसम में अगर मैं कार में जाऊँ ना तो लानत मेरे इस मुँह पे, तो इसलिए भाई मैं जाऊँगा 125 पर, मेरी प्यारी 125 भाई, इसकी बात ही अलग है भाई, इसकी शशके ही अलग है भाई। ये मैंने अपनी 125 को किक मार के स्टार्ट किया, और ये देखो शशके, ये है इसके शशके भाई, ये इसकी जो आग निकलती है ना सिलेंसर में से मज़ा आ जाता है प्याण की आँख। चलो भाई देरी नहीं करते अब चलते हैं शफ़त की तरफ। आए हाय आंटी हट जाओ ठोक दूंगा तुम्हें, मौसम बड़ा व्याह भी हुआ है भाई, जो ठंडी ठंडी हवा चली है ना भाई मज़ा आ रहा है भाई। अबे आंटी हट जाओ प्याण की आँख तुम्हारी, बीच में आ जा रही है, तो रोड पर चलना ही नहीं आता आंटियों को, रोड पर निकल के आ जा रही है इनकी प्याण की आँख। बाकी यार ठंडी इतनी लग रही है, मैं जैकेट पहना हुआ यार। ए भाई हटो हटो हटो, जिमी भाई आ रहे हैं, जिमी भाई आ रहे हैं, मंडते हुए 125 आ रहे हैं जिमी भाई। ओए हाय हाय भाई फर्स्ट पर्सन पे व्यू देखो, ओए हाय हाय, ओए हाय हाय भाई मज़ा आ रहा है भाई, क्या कटिंग है मेरी 125 की भाई, इसकी बात ही अलग है भाई, रोड को चीरते हुए निकलती मेरी 125 तो भाई भाई ये पाकिस्तानी है हायाबूसा है सीधी बात है यहाँ की। अबे फैन की आँख ठोक दिया इस रोल्स रॉयस वाले ने, उतार उतार तेरे को चलाना नहीं आती थी, महंगी गाड़ी लेके घूम रहा है। नशा शराब में होता तो नाचती बदल। अबे नशे में तो भाई शराब वगैरह पी के निकला हुआ, कैसे कैसे गाने गा रहा है भाई,
चलो भाई निकलो फेंड के। अबे तू तो हट जा, तू के सामने आ रहा है। कितनी हिम्मत है, मैं गाड़ी ठोकी ना, मैं भी इसकी गाड़ी ठोक के जा रहा हूँ भेड़ क्या। नशे में हो गए गाड़ी चला रहा है, इसकी हरकतें देखो। अबे मरा मरा जाएगा भेड़ क्या, रोल्स रॉयस रख के भाई नशे करके गाड़ी चला रहा है। ये भी भाई अजीब पागल आदमी है। ये हाईवे का रोड भाई मुझे बड़ा प्यारा लगता है भाई, यहाँ मैं गाड़ी को मनता हुआ जाता हूँ भाई। ये क्या है, एक मिनट, बकरे खड़े हुए क्या भेड़ की यहाँ के? एक मिनट देखता हूँ सर। मैं तो भाई अपनी वाइब्स में एक ही निकला हुआ था स्पीड में, वो तो मेरी नज़र पड़ी बकरे वगैरह खड़े हुए। मैंने कहा चलो थोड़ी मालूमात करता हूँ, थोड़ी तफरी करते हैं, ज़रा रेट वगैरह मालूम करते हैं। हाँ बकरे हैं भाई, बकरे दुम्बे वगैरह खड़े हुए भाई, अलग अलग साइज़ के बकरे हैं। चलो भाई चेक करते हैं। माशाल्लाह बकरे तो बड़े प्यारे हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के हैं। हाँ चाचू क्या हिसाब से दे रहे हो बकरे? सबके बेटा अलग अलग रेट हैं। सबके अलग अलग रेट हैं? हाँ बेटा। अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह ये सफ़ेद वाला कितना बड़ा बकरा है, ये खस्सी लग रहा है मेरे को तो। हाँ बेटा ये पेवर खस्सी बकरा है। हाँ भाई प्योर खस्सी बकरा है तो। अरे यार चाचू हमारे साथ सीन हुआ था भैंड की, किसी ने मेरा अंडू बकरा दे दिया खस्सी कहकर। नहीं नहीं बेटा, इसको तो तुम अच्छी तरह चेक करो, इसके तो आंड ही नहीं है भाई, इसको तो अच्छी तरह देखो, बगैर आंड वाला बकरा है ये, इसके बचपन में ही कटवा दिए थे हमने, तो ये तो पेवर खस्सी बकरा है बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं लग भी रहा है खस्सी बकरा ही लग रहा है वैसे। खस्सी बकरे जो है ना वैसे थोड़ी बकरियों की तरह दिखते हैं तो पहचान में आ जाते हैं वैसे, जो बात है। हमारा वाला तो भाई प्योर आंडू है। बाकी चाचा इनके क्या रेट मांग रहे हो, दुम्बे वगैरह माशाल्लाह सब कुछ खड़े हैं आपके पास तो? बेटा ये तो अब थोड़े से रह गए हैं, हमारे पास तो बहुत सारे बकरे और दुम्बे पड़े हुए थे, पूरा ट्रक भर के पूरी लाड लाया था मैं बकरों और दुम्बों की, सब के सब बिक गए। चलो चाचा फालतू की बातें छोड़ो, हमारा लिए बताओ क्या मांग रहे हो, दुम्बों के क्या मांग रहे हो? बेटा ये दुम्बे जो है मैं पर पीस के मांग रहा हूँ तकरीबन 45,000 का एक दुम्बा। 45,000 का एक दुम्बा? माशाल्लाह है बहुत प्यारा, लेकिन बस थोड़े महंगे मांग रहे हो। और ये सफ़ेद वाला जो खस्सी बकरा है ये माशाल्लाह ये बड़ा है, जो बात है इसकी क्या मांग रहे हो? बेटा ये खस्सी बकरा है और इसका कदकाड आपके सामने है, माशाल्लाह कितना बड़ा है, इसके हो जाएंगे तकरीबन 180,000 रुपये, बाकी अगर आप रहने वाले हो तो कमी पेशी भी कर लेंगे। 180,000? 180,000 में तो बड़ा प्यारा है वैसे, जो बात है। हाँ बेटा अगर लेने वाले हो तो और गुंजाइश हो जाएगी। नहीं यार चाचू हमने तो ले लिया माशाल्लाह से, आंडू बकरा वगैरह है हमारा और कुछ बछड़े वगैरह हैं, तो फिलहाल के लिए तो फुल हो गए हम। और बाकी छोटे वाले क्या मांग रहे हो? ये जो सफ़ेद वाले के साथ खड़ा हुआ है, ये जो लाल सा है, इसके मांग रहे हैं हम 40,000 रुपये। 40,000 रुपये? और ये जो बीच में खड़ा हुआ है ब्राउन वाला, इसके मांग रहे हैं 45,000 रुपये। इसके 45,000? और अच्छा सफ़ेद टिप्पे वाला जो है, सफ़ेद और काला है ये सबसे छोटा वाला, इसके मांग रहे हैं हम तकरीबन 50,000 रुपये। चाचा रेट थोड़े आपके हाई है, लेकिन माशाल्लाह जानवर बड़े प्यारे और खूबसूरत है। बस बेटा दुआ करो कि सारे के सारे बिक जाएं, ताकि मैं भी अपने घर जाके आराम वगैरह करूं। अगर आप लेने वाले हो तो कमी पेशी हो जाएगी। नहीं नहीं चाचू मुझे लेने तो नहीं है, मैं इसी रेट वगैरह मालूम कर रहा था। माशाल्लाह नहीं प्यारे जानवर हैं, अल्लाह इनको जल्द से जल्द इनका नसीब अच्छा करे और उनको अच्छे अच्छे घर में भेजे जो उनकी केयर करें देखभाल करें। जानवर माशाल्लाह बड़े प्यारे, मासूम भी बहुत है चाचू। वो मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है चाचू, ऐसा करो आप भी इनको जल्दी बेच बाच के घर वगैरह जाओ, बारिश होगी तो आप परेशान हो जाओगे, जानवर भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपकी तो खैर है। हाँ बेटा बस इंशाल्लाह एक दो घंटे में इन्हें बेच के मैं घर चले जाऊँगा, फिर भी नहीं बिके तो घर ले जाऊँगा, फिर अगले दिन आ जाऊँगा, हो सकता है रात तक बारिश हो जाए। हाँ ना चाचू फिर अगले दिन दोबारा आ जाना वाले, लेकिन अभी ले जाना क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, फिर परेशान हो जाओगे आप लोग, खास तौर पर जानवर बेचारे बड़े परेशान होंगे। हाँ ना बेटा वही मैं सोच रहा हूँ। चलो ठीक है चाचू मैं चलता हूँ, अल्लाह इन जानवरों को नसीब अच्छे करे। आमीन बेटा आमीन। यार माशाल्लाह यार जानवर बड़े प्यारे हैं यार, बस ये अल्लाह करे कि अच्छे अच्छे घरों में ना जल्द से जल्द बिक जाएं। चलो यार मैं तो चलूँ शक्को चिंगारी की तरफ, बारिश ना हो जाए यार। यार तुम लोगों को यार एक सीन बताना यार, कल मेरा फेयरवेल था मैट्रिक क्लास का ना, मैंने मैट्रिक क्लास पास कर ली है, भयान किया मेरे साथ सीन हो गया। अब यार आप लोगों को तो पता होगा जो जूनियर्स होते हैं ना, वो मैट्रिक क्लास के जो सीनियर्स होते हैं उनको फेयरवेल के अंदर टाइटल देते हैं कोई ना कोई अच्छा सा, ताकि वो यादगार रहे। अब यार जब मेरी टाइटल की बारी आई ना, मेरे जो जूनियर्स थे ना उन्होंने मुझे पता है क्या टाइटल दिया है? भयान की आँख। टाइटल में भयान की आँख लिख के दिया है मुझे। अबे यार एक तो मैं हर वक्त हर किसी को भयान की आँख बोलता हूँ ना, ये मेरा तकिया कलाम अल्फाज है, तो भयान की आँख उन्होंने मुझे जो है ना
फेयरवेल के अंदर टाइटल में जो है फ्याण क्या क्लिक के दे दिया। अब यार ये क्या बात हो यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रही यार। अब नाइन क्लास वालों से मेरी इतनी बनती भी नहीं थी ना यार, तो उन्होंने ऐसे बदला निकाल लिया मेरे से। अम्मा और अब्बा कल से मेरे पीछे पड़े हुए कि बेटा फेयरवेल का टाइटल तो दिखा दो, क्या दिया है तुम्हें। अब मैं किस मुँह से दिखाऊँ उनको फ्याण की आँख, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा यार कुत्ते के बच्चों ने। बेड़ा गरक हो और सत्यानाश हो फेण की आँख नाइन क्लास वाले बच्चों का, जिन्होंने मेरे से ऐसे दुश्मनी निकाली है फेण की आँख टाइटल देकर। यार बताओ मेरी क्या रेपुटेशन ली गई रह गई होगी यार, कि प्रिंसिपल क्या सोच रहा होगा कि देखो यार जिम्मी को उन्होंने फेण की आँख का टाइटल दिया है। अबे मैं लाल हो गया था यार स्टेज पर जब मेरे को बुलाया था ना टाइटल देने के लिए, फेण की आँख, दिल चाह रहा था वहीं मारना शुरू कर दूँ उन लोगों को। मेरी दुआ है कि नाइन क्लास वाले सारे बच्चे ना फेल आ जाए, जिन्होंने मुझे भैन की आँख का टाइटल दिया है ना फेल आए वो, फिर मुझे मज़ा आएगा भैन की आँख इनकी। चलो यार बातों बातों में पता नहीं लगा हम शफ्फा चिंगारी की करीमाबाद बस्ती में पहुंच भी गए। यहाँ से आराम आराम से क्रॉस करना पड़ेगा भाई को ठोकना दे। चलो भाई यार ये लोमड़ियाँ बड़ी घूमती है, देखो यार अभी भी घूम रही है यार। ये कितनी कचरा वगैरह होता है यार, ये सफाई भी नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। अपने थोड़ी सोसाइटी को ये लोग साफ़ वगैरह करें, अपने इलाके को थोड़ा साफ करें, साफ रखें, कूड़ादान बनाया हुआ है। अभी बारिश हो जाएगी ना तो सब बह जाएगा इनका। चलो देखते हैं नक्कल हुआ क्या कर रहा है ये भाई, नया रश्का ले लिया क्या। एक मिनट तफरी करता हूँ उससे। चलो मोबाइल निकाल। कौन है? अरे अबे मैं डर क्यों रहा है। अबे जिम्मी भाई तुमने डरा दिया, तुमने 125 का एक्सीलरेटर ऐसे घुमाया ना, ऐसे तुमने विंग 125 को ऐसे करा, तुम्हें समझा भाई दकेज ना मेरे मोबाइल लूटने आ गए। अबे 20 साल पुराना 33-10 नोकिया का तेरे पास मोबाइल है, दकेज को लूट के क्या मिल जाएगा, तोल में भी नहीं बिकेगा भैंड की आँख। और अभी क्या कर रहा है तू। अबे यार जिम्मी भाई ये दुम्बो के लिए चारा वगैरह बना रहा हूँ। अबे दुम्बे कहाँ है तेरे। दुम्बे भी तुम्हें दिखा दो, सबर कर लो। चलो भाई चारा तो मैंने बना लिया। और भाई जिम्मी भाई हम तो मेरे यहाँ मेरे घर आए हो तो आ जाओ, गले वगैरह तो मिले यार। हाँ चल जानी आ जा, गले वगैरह मिले सर है, जैसे कुछ 10 साल बाद मुलाकात हो रही है। कहीं तो बहन क्या को गया यहाँ से। ये देखो मेरे भाई ने जो है नया रश्का लिया है। ओए होए भाई नोट वोट छाप रहे, तेरा भाई भी नया रश्का ले लिया, पुराना वाला किधर गया। पुराना वाला भेज दिया यार, दरअसल हमारे ना इलाके में थोड़ा आगे जाकर एक बंदा रहता था, वो भी रश्का चलाता था, उसने नया रश्का लिया था, तो यार रातों रात पता नहीं क्या वो उसको हार्ट अटैक आ गया तो वो मर गया। तो उसकी जो बेवा है ना वो यार रश्का जो है ना बहुत कम पैसों में बेच रही थी, तो मेरे भाई ने अपना पुराना वाला बेचा कहीं और, फिर ये उससे ना उसकी बेवा से ये वाला रश्का है ना सस्ते में खरीद लिया, बिल्कुल 0 मीटर है, उस बंदे ने बस 2 दिन ही चलाया था। अरे भाई वाह भाई वाह, तेरा भाई भी सही जा रहा है भाई, मतलब सस्ते में माल ले लिया। अबे भाई थोड़े पैसे वैसे ही और दे देते, तुमने भी है ना मजबूरी का फ़ायदा उठाया बेचारी औरत का। नहीं तो भाई वो खुद बेच रही थी, सस्ते में हमने खरीद लिया, क्या गलत किया। बाकी होम टूर तो करा अपना। हाँ वो पीछे वो दिखा रहा हूँ तुम्हें, होम टूर क्या यार, ये तो झोपड़ी भी हम अच्छी होती है, तो पति हमने क्या टेंट लगाया हुआ है, झोपड़ियाँ भी कम से कम है ना हमारे घर से अच्छी होती हैं। अब भाई जो भी अल्लाह का सबर शुक्र कर दूँ कि छत के नीचे तो सो रहा है ना भेड़ की आँख। और ये गत्ता के कैसे रखा हुआ ये। अभी यार जिमी भाई यार ये मेरा बेड है। हैं ये तेरा बेड है। हाँ ना जिमी भाई यार मैं इसके ऊपर ही सोता हूँ यार। अब यार तेरी लाइफ तो यार बड़ी पुअर है यार, तू तो बहुत गरीब है यार शफ्फा चिंगारी। बस यार क्या करूँ यार, जैसा भी हूँ अल्लाह के सबर और शुक्र है। पापा ने तो तेरी सैलरी भी बढ़ा दी फिर भी तेरा रोने। यार वही खर्चे हो जाते घर के अखराजात में, और फिर दुम्बो वगैरह में तो मैं दिखाता हूँ, फिर उनकी मैंने खिलाई पिलाई की, तुम्हें वो सारी बातें मैं बताता हूँ, आ जाओ यार। बाकी कचरा रखा हुआ है खाने पीने का, इतना ये बर्तन रखे हुए किस लिए। यार वो मेरा बाप भंगी है इसलिए कचरे के डब्बे रखे हुए, और ये जो बर्तन रखे हुए ना इतने सारे, ये मेरी माँ है ना घरों में जाके खाना बनाती है, तो इसलिए बाप मेरा भंगी है, माँ मेरा घरों में जाके खाना बनाती है, और मेरा जो बड़ा भाई है वो रश्का चलाते हैं तुम्हारे सामने, देखो आज तो वो छुट्टी भरे, बाकी मैं जो हूँ तुम्हारे यहाँ माली हूँ और तुम्हारा भाई भी हूँ सर से, है ना जिम्मी भाई। हाँ भाई भी है तू मेरा, सही है यार, आज अब लम्बी दिखा दो, लम्बी दिखा दो। अच्छा वो जिम्मी भाई जो तुम्हारे घर के जानवर है, तुम्हारा अंडू बकरा और दोनों बछड़े बसंती और चुरबुल, उसको उनको तुमने खाना वगैरह डाल दिया। हाँ हाँ उनको मैंने खाना वगैरह डाल दिया, बिल्कुल खाना पीना VIP उनका करके आया हूँ, अब तो दुम्बे दिखा दे। अबे हाँ ना आ जाओ, अब दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देखो जिम्मी भाई मेरे दुम्बे। ये दुम्बे। हाँ तो क्या वो डर क्यों गए। ये दुम्बे है डायनासोर फेण की आँख। अबे ओ जिम्मी भाई माशाल्लाह बोल दो, नजर लग जाएगी। अबे हाँ ना माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरी का नजर लगेगी भाई। और वो जो तूने बच्चे जो दुम्बे के तूने बड़े किए थे वो किधर गए। अबे जिम्मी भाई पागल हो गए हो क्या, ये वही दो छोटे छोटे दुम्बे के बच्चे हैं जो तुम्हें मैंने पिछले साल दिखाए थे, याद करो पिछले साल की कुर्बानी में जब तुम मेरे दुम्बे देखने आए थे ना,
तो मैंने तुम्हें वो दुम्बे के दो छोटे छोटे बच्चे दिखाए थे, यही बंदे हुए थे, याद करो यही खेल रहे थे, ये वही दोनों हैं भाई। एक मिनट जरा मुझे सोचने दे। ये देखो जिमी भाई। अबे ये क्या इतने प्यारे प्यारे, ये कौन से जानवर है? अबे क्या हो गया, दुम्बे के बच्चे हैं ये। अबे वाह भाई, दुम्बे के बच्चे भी खरीद लिए तुमने। हायर ये ना इंशाल्लाह हम 2024 में ना कुर्बान करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इनको अभी हम पूरे साल पालेंगे। अबे ये वो दुम्बे हैं, वो छोटे छोटे, अबे वो तो बिल्ली जितने थे यार, ये माशाल्लाह तूने डायनासोर जितना कर दिया भाई, क्या खिलाया इनको? रे जिम्मी भाई, इनको मैंने अपनी जान से बढ़कर पाला है। आप पूछ रहे हो ना कि तेरा इतना पैसा किधर जाता है, माइकल भाई ने तो सैलरी भी बढ़ा दी फिर भी इतना पैसा कहाँ जा रहा है? तो जिम्मी भाई वो मैंने इनकी केयर में सारा पैसा लगाया है। दूध मक्खन बादाम पिस्ते मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया पिया, इनको मैं खिलाता था, क्योंकि यार ये अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे और हमें अपना पूरा जिस्म, अपना पूरा गोश्त, अपना जिस्म का एक एक हिस्सा हमें दे के जाएंगे। तो क्या हम पूरे साल इनकी केयर नहीं कर सकते? क्या हम इन्हें बादाम पिस्ते ये दुनिया की नेमतें नहीं खिला सकते क्या, भले हम खुद नहीं खाएं? कल को जब अल्लाह इनसे सवाल करेगा कि बताओ दुम्बो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी खिदमत की थी, तो जब ये दुम्बे फिर मेरे बारे में अल्लाह ताला को बताएंगे तो मैं कितना सुरखुरू हो जाऊंगा अल्लाह के सामने। वाह यार माशाल्लाह यार, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है अशरफ का चिंगारी। यार जिमी भाई तुम ज़रा सोचो, जो मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं जो लोग, उनका कितना बुरा हशर होगा। हाँ भाई हकीकत है, जो मासूम मासूम जानवरों पर, कोई भी जानवर हो, कुत्ता बिल्ली बकरे गाय कोई भी हो, जिन पर जुल्म करते हैं ना, उनका तो भाई आखिरत में बहुत बुरा हाल होगा भाई। लोगों भाई अभी भी सुधर जाओ, अभी भी तौबा कर लो और मासूम जानों को ना नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। हाँ ना, नहीं तो क़यामत वाले दिन जो हशर होगा ना पूरी दुनिया के सामने, उन बंदों का इबरतनाक निशान बनेंगे वो लोग। हकीकत है भाई हकीकत है, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक से प्यार करना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये वजह थी जो तू पैसों को इतना रोता था? अरे यार तू हमें बताता ना, तू पापा को बताता ऐसी ऐसी बातें, पापा इनका खर्चा खुद दे देते। बिल्कुल बिल्कुल, माइकल भाई तो बहुत अच्छे हैं यार जिम्मी भाई, वो तो सारे मुझे दे रहे थे इन दुम्बों का खर्चा ना, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जेब से इनकी खर्ची करूँ, इनकी खिदमत करूँ। मैं चाहता नहीं था किसी का मैं अमल दखल डालूँ इसमें, मैं अपनी जेब से करना चाह रहे थे ना। अच्छा अच्छा चल ये भी सही है यार, हाँ कोई मसला नहीं, अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। और जिम्मी भाई तुम्हें अंदर से दिखा दो दुम्बे कितने प्यारे, मेरे तो भाई बहुत हिले हुए हैं ये। हाँ यार वो तो दिख रहे हैं, तेरे को तो कुछ नहीं कह रहे, मुझे मारेंगे तो नहीं? यार ये मारते हैं वैसे, कोई नया बंदा आता है ना उसको भेटी वगैरह मारते हैं, ज़रा संभल के लेना। अबे हाँ शफ को बचा ली, डर लग रहा है, मेरे कद से भी ऊपर जा रहे हैं दुम्बे भाई। हाँ जिम्मी भाई ज़रा आराम से रहो, ये थोड़े गुस्से में आ जाते कोई नया बंदा देखते तो। हाँ सही है यार सही है, बस तो संभाल लियो कोई मारे तो मेरे को ना। हाँ जिम्मी भाई ठीक है। अबे तुम मैंने मार दिया मेरे को। जिम्मी भाई आराम से, जिम्मी भाई अबे पैरों में रोन दिया मेरे को, शफकत बचा। अरे जिम्मी भाई यार वो सॉरी यार, वो नए बंदे को देखते ना यार तो थोड़े ऐसे हो जाते हैं यार ये दुम्बे। खैर है खैर, क्या कर रहे हो तुम राजा और गब्बर? वाह भाई तेरी बात का तो ये जवाब भी देते भाई। हाँ तो भाई इनको अपनी औलाद से बढ़कर मैंने पाला है। हाँ यार वो तो दिख रहा है यार माशाल्लाह यार, जो बात है तेरे तो बड़े अच्छे पले हैं, तेरी बात का जवाब भी देते। हाँ ना राजा गब्बर मेरे पीछे आओ। वाह भाई वाह, तेरे तो भाई ये बिल्कुल पले हुए भाई। हाँ तो भाई बचपन से पाले ना, इतने से थे, बिल्ली जितने थे जब मैंने इनको पाला था। आओ भाग के आओ राजा गब्बर, आ जाओ। अबे वो मेरे को ना ठोक दे, अबे ओए मेरे पीछे आ रहे फिरन की आंख, मेरी भेटी ना मारनी। नहीं नहीं अभी नहीं मारेंगे तुम्हें, थोड़ा थोड़ा पहचान गई तुम्हें। अबे मेरे को तो उन्होंने पकड़ के पेल लिया भेड़ की आंख, मेरे को तो पहचाना ही नहीं। हाँ तो तुमने फर्स्ट टाइम तो मिले हो ना? नहीं तो मैं बचपन में भी मिला था इनसे। हाँ तो तुम बचपन में 5 मिनट के लिए इनसे मिले थे ना, भूल गए होंगे तुम्हें ये। अच्छा ऐसी बात है, इतने से दे बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल इतने प्यारे लग रहे थे, अब तो इतना गंदा मारते हैं। आओ इन्हें चक्कर दिला दें थोड़ा और आगे से, बल्कि नहीं यार यहाँ जिम्मी भाई भेड़िया आ जाते हैं यार यहाँ नहीं। हाँ यार छोड़ छोड़ छोड़, कुर्बानी के जानवर यार और वैसे भी मासूम है यार, इनकी हिफाजत कर। हाँ ना भाई इनको हम बहुत हिफाजत करते हैं इनकी, क्योंकि भेड़िए वगैरह है ना रात में आ जाते हैं। अबे भाई मेरे को डर लग रहा है यार, ये कहीं मेरे को पेल ना दे दोबारा। नहीं नहीं अब नहीं मारेंगे, ये पहचान गए तो मेरे साथ हो ना, तो मैं पहचान गई है। वैसे माशाल्लाह यार बहुत प्यारा है यार, अल्लाह इनकी हिफाजत करे और अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन आमीन जिमी भाई आमीन यार। अबे तुमने तो हमसे भी अच्छी कुर्बानी कर ली यार माशाल्लाह। बस बस अल्लाह के करम है यार, ऐसा दुम्बा 4 से 5 लाख रुपये का मिलेगा मेरे हिसाब से तो। और देखो माशाल्लाह हमने घर में तैयार करे।
मैं इन दोनों को 20-20 हज़ार रुपये का लाया था, छोटे छोटे से। आप देखो माशाल्लाह इनका साइज वगैरह। नहीं नहीं माशाल्लाह यार, तूने बहुत प्यारे तैयार किए वाकई में, दिख रहा है तूने सब कुछ खिलाया इनको, जो तूने खुद ज़िंदगी में नहीं खाया ना वो तूने इनको खिलाया। हाँ ना भाई, बस जानवरों से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरा तो यही सोच है कि भाई मैं जो खुद ना खाऊँ ना वो जानवर खाए मेरे, बल्कि हर मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर जानवर का मैं पेट भरूँ इंशाल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर यार, मैं भी तेरे साथ हूँ, अपन मिल के है ना सारे जानवरों की है ना खिलाए पिलाए करेंगे, दुनिया के ना सारे जानवरों का है ना ख्याल रखेंगे, जो दिखेगा बिल्ली कुत्ता सबको खाना डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिमी भाई, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। Close your eyes.